इश्क के पीछे इतने दीवाने थे कि इश्क करने का मतलब न जाने है थे, समझ बैठे जिस चेहरे को वो अपना, उसको मिटाने का चले सामान लेने हैं। क्या लड़की है यार, देखते ही मोहब्बत हो गई है मुझे। काश ये गर्लफ्रेंड बन जाए मेरी। तू ना किन बन के डसती है, शरारा 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 शोला है ये तन तेरा। विजय आज तेरा भाई बहुत खुश है यार। क्या हुआ भाई, ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है? भाई ये पागलपन नहीं, ये तो दीवानापन है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे भाई को प्यार हो गया है। प्यार? क्या बात है, प्यार? और तुझे? अच्छा एक बात बता, लड़की का नाम क्या है? यार नाम तो पता नहीं, और रहती कहाँ है ये भी नहीं पता। फिर पता क्या है तुझे? मुझे तो बस इतना पता है कि यार मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यार अब ये बता कि मैं आगे क्या करूँ? आगे क्या करूँ? अब सीधे जा, हाथ पकड़ और गले से लगा। अरे यार ऐसे तो चप्पलों से मारेगी यार। तो सीधा प्रपोज कर डाल, सामने जाकर बोल दे आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की ये सुनकर सीधा हाँ बोल देगी। सच में यार? थैंक यू मेरे भाई यार। मैं जा कैसे बोलता हूँ, ठीक है भाई। साथ जब तक हो बात कुछ होती रहे, बात एक्सक्यूज मी तक हो यार, एक बार मेरी बात तो सुनो। बोलो। वो यार वो क्या, अब बोलो यार। आई लव यू। क्या उसने सबके सामने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे बेइज्जत किया और फिर भी तूने कुछ नहीं किया? हाँ किया ना, आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखा ना। अरे मेरे भोले आशिक मजनू, उसने सबके सामने तेरी इज्जत का फालूदा बना के चली गई और तू बस उसे जाते हुए खड़े खड़े देखता ही रहा। तो और करता क्या मैं यार, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस खुद पर रोना आ रहा था। अब तू एक काम कर, रोना छोड़ दे, अब तू ये बता उससे बदला लेना है या नहीं? हाँ लेना है। लेना है तो सुन, उसके चेहरे पर एसिड फेंक दे। उसे अपने चेहरे पर घमंड है ना, जब चेहरा ही नहीं रहेगा तो घमंड किस बात पर करेगी? ठीक है जा। अरे विवान, विवान आज तुम्हारा जन्मदिन है ना किरण? हाँ भैया। ये लो गिफ्ट, कैसा है बताओ?
यही तो मुझे चाहिए था। आप बहुत अच्छे भैया, मैं जाके अपनी फ्रेंडों को दिखाती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरी बहन विवान। यार मैंने तुझे बताया था ना, एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है। हाँ बताया था, तो क्यों, क्या हुआ? आज उसने मुझे प्रपोज कर दिया सबके सामने। मैं डर गई थी, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। वेरी गुड यार, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। आजकल के लड़कों की पता नहीं हिम्मत कैसे पड़ जाती है। नहीं यार, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उसे सबके सामने ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब मार दिया तो मार दिया, अगली बार मिले तो सॉरी बोल दियो। हाँ ये सही है। काजल, काजल वो आ गया, काजल वो आ गया। चल ना। उसके चेहरे पर एसिड फेंक दे। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। क्या हुआ? सॉरी यार, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे सॉरी तो मुझे भी तुमसे बोलना था, ऐसे मुझे उस दिन सबके सामने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सॉरी एंड थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू क्यों? वो मैंने उस दिन तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, वरना इतनी सी बात पे तो आजकल के लड़के एसिड तक फेंक देते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं जो एसिड फेंक देते हैं? बहुत गलत लोग होते हैं ऐसे यार। तो वी आर फ्रेंड्स। दोस्तों, तुम्हें इजहार करने का हक है तो उस लड़की को रिजेक्ट करने का भी हक है, तो उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें, ना कि गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आपकी और उसकी दोनों की लाइफ खराब हो जाए।